और सोनीपत का रुख करते हैं, जहां पर 3 कृषि कानून के विरोध में किसान ने अपनी गेहूं और सब्जी की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान ने ऐलान किया कि जब तक कृषि कानून समाप्त नहीं होते वो खेतों में फसल नहीं उगाएगा। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत और हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से अपनी फसल नष्ट नहीं करने की लगातार अपीलें की हैं। इसके बावजूद किसान नहीं मान रहे। ताजा मामला सोनीपत के ककरोई गांव का है। यहां किसानों ने खेतों में खड़ी अपनी सब्जी और गेहूं की फसलों को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। उससे गवर्नमेंट को ये हमने तो भूखा मरना है भाई, सब मरेंगे, खाने दाने सब न मिल जाए, न किसी न मिल। यानी आप इसको सही मानते हैं किसान फसल बारे? फसल हाँ बिल्कुल सही मानते हैं, अपनी फसल बर्बाद करने में कोई हो नहीं। ककरोई गांव में किसान सरकार से इस कदर नाराज है कि उन्होंने फैसला लिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते वो खेतों में फसल नहीं उगाएंगे। हम तो ये चाहते हैं ये तीनों कानून हमारे वापस हो, ये हम अपना करके खा लेंगे, और क्या इसमें क्या इसे क्या नुकसान हो रहा है आपको? इसमें सारा नुकसान हो रहा है और इसमें फायदा क्या हो रहा है? गौरतलब है कि किसानों में कृषि कानूनों को लेकर सरकार से नाराजगी इस कदर बढ़ती जा रही है कि वो अपने नेताओं की अपील पर भी गौर नहीं कर रहे। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव में किसानों की ये नाराजगी केंद्र और प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।